इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओप्पो के मोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उसे कैसे ठीक किया जाता है। तो अगर आपके भी मोबाइल में ब्लूटूथ को ओपन करने के बाद, ब्लूटूथ को ऑन करने के बाद यहाँ पर या तो उसका ब्लूटूथ डिवाइस नेम शो नहीं हो रहा है या नेम शो भी हो रहा है तो उस पर क्लिक करने के बाद उसका ब्लूटूथ आपके मोबाइल में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ओप्पो के मोबाइल में कोई भी ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है या उसका जो डिवाइस नेम है शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में आना है। और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप मैनेजमेंट का, तो आपको ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर में ऐप लिस्ट मिलेगा, तो आपको ऐप लिस्ट पर क्लिक करना है। ऐप लिस्ट में आने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे यहाँ पर आपको सभी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऊपर एक थ्री डॉट मिलेगा, तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको शो सिस्टम पर क्लिक करना है। शो सिस्टम पर क्लिक करने के बाद ऊपर जो सर्च बार होता है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ टाइप करना है। ब्लूटूथ टाइप कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ मिलेगा, तो आपको ब्लूटूथ पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको स्टोरेज यूजर पर क्लिक करना है। स्टोरेज यूजर में आने के बाद यहाँ पर आपको क्लियर डाटा मिलेगा, तो आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करके देख लीजिए, आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम ब्लूटूथ को ओपन करते हैं, इस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं। और लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो भी डिवाइस होगा आपका ब्लूटूथ जो भी ऑन होगा यहाँ पर वह सारा डिवाइस आपको शो होगा। तो यहाँ से हम रियलमी को कनेक्ट करना चाहते हैं तो रियलमी पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेयरिंग होगा। पेयरिंग होने के बाद आपको यहाँ पर पेयर पर क्लिक करना है। और पेयर पर क्लिक करने के बाद आप जिस डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं, जिस मोबाइल के ब्लूटूथ को कनेक्ट करना चाहते हैं उसमें भी आपको पेयर पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपका वह ब्लूटूथ आपके मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है।